हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपकी ऊषा की किचन में और मेरी किचन में बनी उड़द दाल की चंदिया। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम उड़द दाल ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आप कोई सा साइज ले सकते हैं, इसमें पतली वाली भी आती है, मोटी वाली भी आती है। तो यहाँ मैंने उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था और अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसका सारा पानी निकाल लिया है। और यहाँ मैंने इसे पीस लिया है, आप चाहे तो सिल्वर पीस सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और यहाँ मैंने लिया गर्म पानी एकदम खोलता हुआ और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। और इस पानी से हम क्या करेंगे, दाल को हम मलेंगे। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ दाल में गर्म मसाला, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और गर्म, और हम ये पानी जो लिया ना हींग का, उससे हम मलेंगे अच्छी तरीके से अपने डो को, बहुत अच्छे से। जितना हम इसे गूंदेंगे चंदिया उतनी ही हमारी सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ मैं अच्छे से गूंद लूँगी और डो हमारे एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ एक घंटे के लिए हम रेस्ट करने के रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया फ्रेंड्स, गैस पर मैंने पानी चढ़ा दिया है और यहाँ मैं ऐड करूँगी नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ मैं ऐड करूँगी गरम मसाला हाफ स्पून, हल्की सी हींग, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च पाउडर। और यह हम पानी तैयार करें अपनी चंदियों के लिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम यहाँ इसे अच्छा सा उबाल देंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है, अब हम चलते हैं चंदियाँ बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स एक थाली ले ली, अगर आप चाहें तो चकला भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ हम पानी डालेंगे, कपड़ों को एकदम गीला कर लेंगे पानी से, आप देख सकते हैं। तो मैंने गीला कर लिया है। और यहाँ हम दो हाथ में उठाएंगे, एकदम गोल गोल लोई टाइप के हम बना लेंगे, बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ कपड़े और यहाँ थाली पर रख के हम इसे एकदम गोल वाला शेप दे देंगे, धीरे धीरे हाथ से प्रेस करते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने एक ग्लास लिया है, आप कटोरी या कोई डिब्बे का ढक्कन कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। और यहाँ मैं ग्लास से काट लूँगी एकदम, तो गोलाकार अच्छा आकार आएगा हमारा। और चंदिया हमारी एकदम बनके तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सब बना लूँगी। और बहुत साइड से हम निकाल देंगे दाल को अपने, और जो गोल वाला पार्ट है ना, वो हम निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से ही बना सकते हो हथेली पर रख के। और यहाँ बहुत आराम से हम इसे निकाल देंगे, बहुत इजी तरीका है बनाने का चंदिया। और चंदिया हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाले, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब यहाँ मैं धनिया डाल दूंगी, गैस की फ्लेम पर हाई करनी, फिर हमें लो कर देनी है धीमी धीमी आंच पे। बहुत अच्छे से हमारी चने सिक जाएंगे, कितना प्यारा कलर आया चंदिया का हमारा, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं सब चंदे निकाल दूंगी और यहाँ मैं इन्हें पानी में डाल दूंगी। एक घंटे के लिए हम पानी में डाल देंगे, आप देख सकते हैं एक घंटा हो चुका है। और यहाँ मैंने गार्निश कर दिया चंदिये को दही और लाल चटनी से। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना।